हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। स्वागत है आप लोगों का। फ्रेंड्स, आज मैं आपको, मतलब ज़्यादातर लोग नहीं उगाते हैं क्योंकि सोचते हैं कि पता नहीं कितना हार्ड होगा, शायद इसलिए नहीं उगाते होंगे, पर मैंने ये यहाँ पर उगाया है सरसों। तो वो मैंने कैसे उगाया ये मैं आपके साथ शेयर करूँगी। और ये सिर्फ टेरेस है, इधर मिट्टी डाल दी थी, मिट्टी डली हुई है, तो मैंने उसी में ही ऐसे। फ्रेंड्स, अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और कमेंट शेयर करिए, लाइक करिए, शेयर करिए, कमेंट करिए फ्रेंड्स। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। ये फ्रेंड्स, ये सरसों है और सरसों सिर्फ खेत में आती है ऐसा कहते हैं ये, पर मैं मुझे यहाँ पर सरसों नहीं मिल रही थी बाज़ार में, तो मैंने सोचा मैं खुद उगाती हूँ। मुझे सरसों का साग खाना था। अब सरसों यहाँ पर नहीं मिलती है क्योंकि मार्केट में सरसों आती ही नहीं है, क्योंकि लोग खाते नहीं हैं शायद, इसलिए बिकती नहीं है, तो लोग उगाते नहीं हैं, यहाँ पर लाते नहीं हैं मार्केट में। और इसलिए मैंने सोचा कि मैं खुद ही उगा कर देखती हूँ, अगर आ जाती है तो मैं आपके साथ शेयर कर लूँगी और खा भी लूँगी, इसका साग भी बना लूँगी। सो फ्रेंड्स, ये है मेरा यहाँ पे, जो लोग पहले रहते थे उन लोगों ने यहाँ पर कचरा जमा कर रखा था। देखिए कितना सारा कचरा है। मैं अभी तो बहुत कम है, मैंने बहुत कम कर दिया। ये किवाड़ वाड़ पड़े ये सब पूरा यहाँ पर पड़ा हुआ था, और तमाम लोहा लंगड़ हर चीज़ पड़ी हुई थी। बहुत बहुत ज़्यादा ये ख़राब था इतना एरिया। ये देखिए गिलास विलास ये सब एक तरफ करे मैंने, और पूरा क्या बोलते थोड़ा सा वो करके उसमें मिट्टी थोड़ी डाल के, थोड़ा खाद डाल के मैंने क्या किया, उसमें मैंने सरसों के दाने स्प्रिंकल कर दिए। और मैंने क्या करा, जो सारे सूखे पत्ते जो निकलते हैं गार्डन के, वो भी मैंने चूरमलीदा ऐसा ऐसा करके इसमें डाल दिए। और ऊपर से क्या किया मैंने, जो थोड़ा सा ज़्यादा नहीं, अगर आपके पास नहीं है तो आप ना भी डालें कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। मेरे पास वर्मी कंपोस्ट था तो मैंने डाल दिया, नहीं तो आपके पास नहीं है तो आप नहीं डालें। ये देखिए कितने अच्छे फ्लावर्स भी आ रहे हैं इसमें, बहुत अट्रैक्टिव फ्लावर्स होते हैं। देखिए येलो इसमें बीज भी, सीड भी बन रहा है। देखिए अब देख रहे हैं ये सीड भी बन रहा है। देखिए ये देखिए, ऐसा नहीं है, ये खाली 3-4 इंच मिट्टी है इसमें नीचे, 3 से 4 इंच। उसमें देखिए कितनी लॉन्ग गई है ये, देखिए देख रहे हैं आप। और फ्रेंड्स, अगर आप चाहें तो क्या बोलते हैं गोबर की खाद डाल सकते हैं इसमें, वो भी इसके लिए बहुत अच्छी बेनिफिट देती है। और थोड़ी अगर वर्मी कंपोस्ट है आपके पास डालिए, नहीं तो गोबर की खाद, और जो आपके पास गार्डन से निकले हुए पत्ते, नहीं तो कहीं से भी किसी भी पेड़ के नीचे पत्ते पड़े हुए होते हैं, बच्चों से आप मंगवा लीजिए और वो पत्ते मसल कर डाल दीजिए, अपने आप उसमें डिकम्पोस्ट हो जाएंगे वो। मैंने भी ऐसे ही किया है, मैंने डिकम्पोस्ट करके खाद नहीं डाली है लीफ की, मैंने क्या करा पत्तों की चूरा, जैसे ये देखिए आप, ये जो पत्ते पड़े हुए हैं बस इन्हीं को, इसी तरह के पत्तों को मसल के, कोई भी तरह के पत्ते हों इनको मसल के मैंने इसमें डाल दिया है। और आपको मॉइस्ट रखनी है, ये जितनी मॉइस्ट रहेगी मिट्टी इसकी, उतने ही इसको आपको अच्छे पत्ते, बड़े बड़े लीफ, ये देखिए इतने बड़े बड़े लीफ। मैंने इसको हमेशा मॉइस्ट रखा क्योंकि मालूम ही है यहाँ पर मोहरी भी है, वहाँ से ड्रेन आउट हो जाता है, जितना इसको चाहिए ले लेता है, वहाँ से निकल जाता है बाहर से। सो फ्रेंड्स, बस इतना ही करना है आपको। मैंने कोई खास केयर नहीं की इसकी, मैंने ऐसे ही उठाया कचरा, इसमें मसल दिया, फिर झाड़ा अपना गार्डन, और जो भी पत्ते निकले
सारे इसमें मसल दिए और ऊपर से थोड़ा सा पानी छिड़क दिया, वो डीकम्पोस्ट अपने आप ही हो गए और इसको बेनिफिट मिल गया। सो फ्रेंड्स, चाहें तो आप भी ये कर सकते हैं। और ये कहते हैं कि पीले फूल घर में उगे तो अच्छे होते हैं, पीला कलर, ये सरसों जो घर में आए तो बहुत अच्छी मानी जाती है। तो आप भी उगाइए, आप भी इसका लाभ उठा सकते हैं और साग बना सकते हैं। और इतना अच्छा मैं खा लेती हूँ मालूम, इसके जो लीफ तोड़कर इस तरह से लीफ तोड़ के मैं खा लेती हूँ, देखिए इस तरह से मैं खा लेती हूँ। ये तो ऑर्गेनिक है, इसमें कोई केमिकल नहीं है फ्रेंड्स। अगर केमिकल होता तो खाने में प्रॉब्लम होती। इसको आप बिना धुली भी खा सकते हैं, क्योंकि मैं ऊपर से कोई भी खाद ऊपर से नहीं स्प्रिंकल करती, नीचे डालती हूँ जो भी डालती हूँ। तो ये आप खा भी सकते हैं, ये खाने के लिए बहुत अच्छी है। और मैं भी कई बार थोड़ी झार होती है, लेकिन ये जो वेजिटेबल जो कच्ची होती है आपकी सेहत के लिए बहुत अच्छी होती है, आप यकीन मानिए। आप ये उगाइए, मैं भी हमेशा डालूंगी। अब ये मुझे मालूम हो गया और मैंने एक्सपीरियंस भी कर लिया इसका, तो मैं ये यहाँ सोच रही हूँ लैंडस्केप बनाऊंगी। उसके लिए थोड़ा सा मटेरियल इकट्ठा करना है मुझे, वो मैं करने के बाद फिर इसमें ये यहाँ से निकालूंगी नहीं, सिर्फ पत्ते लीफ निकाल दूंगी इसमें, जो मैं साग बनाना है मैंने सोचा आपके साथ शेयर कर लूँ, उसके बाद मैं साग बनाऊंगी। तो बस फ्रेंड्स, इतना ही आज के लिए, बस इतना। उसके बाद फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।